अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन का तथा सहवास का आनंद दे दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा, जय बाबा। बिलवड गॉड, हेल्प अस ऑल टू लव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड स्टिल येट मोर टिल वी बिकम वर्थी ऑफ यूनियन विथ यू, एंड हेल्प अस ऑल टू होल्ड फास्ट टू बाबा हस्तामन टिल द फेरी हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, सभी को जय बाबा। मेहर बाबा टिफिन लेक्चर हम पढ़ रहे हैं और अभी हम उसके पेज नंबर 280 पर है। 280 पढ़ना है ना उनको जी। तो ये लेक्चर बाबा ने शनिचर को दिया था, दिन था 23 अक्टूबर 1926। आज के इस सेशन में हम दो लेक्चर देखेंगे, डिस्कोर्सेस, और जुड़े रहना और किसी को जुड़ने को कहना है तो कह दीजिए। थोड़ा खेल भी खेलेंगे आज पहली का, और आप सबको इसमें हिस्सा लेना है। जब हम पहली बोलेंगे, मतलब हम बोलेंगे, मतलब जो बाबा ने पहलियाँ रखी थी, हमारे बचपन में तो ये बहुत हुआ करता था कि अलग अलग तरह से उसको जो माइंड ट्विस्टर बोलते हैं या टैलेंट ट्विस्टर बोलते हैं, ऐसी पहलियाँ होती थी, उसको याद रखना, फिर औरों को बोलना उसका जवाब और सोचना, ये सब रहता था। तो बाबा ने ये स्पिरिचुअल रिडल्स डाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे अपनी अपनी तरफ से उसका जवाब देने की। आप सबको इसमें हिस्सा लेना है, और यदि अगर एक समय में सभी मत चालू करना अपना माइक्रोफोन, खाली हाथ ऊपर उठा के एक एक को बारी बारी करेंगे, और जिसको नहीं बोलना है वो चैट में अपना जवाब दे सकते हैं। पर उसके पहले हम ये 23 अक्टूबर 1926 का लेक्चर देखते हैं कि इस दिन क्या गतिविधियाँ चल रही थी मेहराबाद में। ऑन थर्सडे ऑफ दिस वीक Baba dropped a bombshell. The Mehrabad ashram was to be closed. इस गुरुवार को बाबा ने मंडली जन के ऊपर एक बॉम्बशेल डाला, मतलब एकदम उनको चमत्कार से वो लोग भर गए, एकदम शॉकिंग न्यूज़ दी उनको कि मेहराबाद का ये आश्रम बंद करना है। अब ये सही में बॉम्बशेल था, क्यों? क्योंकि मंडली के कई जन जो है, बाबा के कई सारे फॉलोअर्स है, अपना सब कुछ घर बार त्याग करके, नौकरी बिजनेस भाई सब कुछ त्याग करके बाबा के पास आजीवन रहने के लिए आए थे। अब आश्रम बंद होगा तो आगे क्या, मतलब इसके लिए ये तो वॉज अ बॉम्बशेल, और बाबा ने ये बॉम्बशेल उनके ऊपर डाल दिया। 1926 की ये बात है। द स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, उपासनी सराय, साई दरबार, असाइलम एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्टिंग द मकान वेयर टू बी क्लोज्ड and dismantled before the 1st of November. 1 November के पहले सब कुछ, जो पाठशाला है, औषधालय है, अस्पताल है, उपासनी सराई जो है, साई दरबार है, पागलखाना और बाकी सभी संस्थाएँ, जो मकान खास करके मकान जिसको कहलाते थे, इसको छोड़ करके बाकी सबको खंडित करना था, तोड़ देना था। खाली बंद नहीं करना था तो ध्वस्त करना था वो बिल्डिंगें बिफोर द 1st of November, 1 नवंबर के पहले। सोच लीजिए, अब उपासनी सराई, साई दरबार, ये इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि वहाँ का जो मंडली हॉल या जिसको किसको उपासनी सराई कहते थे, बाबा ने उपासनी महाराज के नाम पर कौन सा ये रखा था, साई दरबार किसको रखा था। बाबा एंड अ फ्यू सिलेक्टेड मेम्बर्स वेयर टू गो टू पर्शिया and stay there till February, when Rustum, Adi, Dr. Ranju and others will join them and then decide for a new future program. Baba और कुछ खास चुने हुए मंडली के सदस्य
पर्शिया जाएंगे और वहीं पे रहेंगे फरवरी तक, और उनके साथ में रुस्तुम और आदि, डॉक्टर मक्कल, डॉक्टर गनी, रामजू और बाकी के जो लोग हैं वो भी उनको वहाँ पर मिलेंगे, ज्वाइन करेंगे, और इसके पश्चात वो आगे का भविष्य का प्लान जो है, प्रोग्राम जो है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इसके बारे में सोचेंगे, तय करेंगे. मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ वॉज स्पेंट प्रिपेयरिंग फॉर दिस ड्रामेटिक ट्रांजिशन विच इंडीड वाउंड अप ब्रिंगिंग बाबाज फर्स्ट लॉन्ग स्टे एट मेहराबाद टू क्लोज. बाबा का इतना लंबा समय से जो सबसे पहले का, मतलब इसके पहले बाबा रहे, समय समय पर राहुरी रहे, टोका रहे, दादर में रहे, कश्मीर में रहे, बेंगलोर में रहे, हैदराबाद में रहे, कई बार बाबा ने, जैसा कि कश्मीर में, बेंगलोर में बाबा ने सोचा था हैदराबाद में कि यही मेरा अंतिम फाइनल स्थान रहेगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं रुके थे, नासिक में रहे थे. तो ये सबसे लंबा समय बाबा मेहराबाद में रहे थे. और ये जो अभी धक्कादायक न्यूज़ उनको मिली थी, ये जो संक्रमण होना था दूसरे अभी आने वाले महीने में, क्योंकि 1 नवंबर के पहले ये सब कुछ करना था, और तारीख है 23 अक्टूबर को, बाबा ये बोल रहे, मतलब एक हफ्ते का ही समय उनके पास था. तो ये जो समय था, ये सब सारी जो गतिविधियाँ में ये लोग व्यस्त रहे, और ये बाबा का सबसे लंबा समय का जो वास्तव्य था मेहराबाद में, वो खत्म होने को, बंद करना था. दिस टिफिन लेक्चर गिवन बाय बाबा 2 डेज आफ्टर द अनाउंसमेंट सीम्स टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ बाबाज रिस्पॉन्स टू द मेंटल टर्बुलेंस कॉज्ड बाय दीज न्यू डेवलपमेंट्स. अब जाहिर है कि इससे सब लोग डिस्टर्ब थे, और ये जो उनके मन में अशांति थी, मंडलीजनों के, कुछ लोगों के मन में, कुछ तो बाबा की गतिविधियों से भलीभांति परिचित हो गए थे कि सडनली बाबा प्लान चेंज करते हैं या एकदम से कुछ बताते हैं, इसके बारे में, और कई सारे जो लोग थे इससे परिचित थे और हमेशा प्रिपेयर रहते थे, तैयार रहते कि जब बाबा जैसा कहे तुरंत वैसा करने का, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, समझने की कोशिश करने के लिए. जो असली शिष्य के अच्छे गुण है वो तो कईयों में थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो, उनको थोड़ा सा मन की अशांति हुई, और फिर इसके कारण ये अनाउंसमेंट बाबा ने 23 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को की हुई. 2 दिन बाद बाबा ने ये आगे जो लेक्चर दिया है वो लेक्चर दिया, डिस्कोर्स दिया. मतलब इस किताब में हमने हमेशा देखा है कि जो भी लेक्चर है उसकी पार्श्वभूमि क्या है, तो ऐसी कौन सी घटना हुई कि जिस वजह से बाबा ने ये लेक्चर दिया, ऐसा हर एक लेक्चर के बारे में दिया है. तो ये घटना हुई, इसके पश्चात बाबा ने आगे दिया हुआ डिस्कोर्स दिया, लेक्चर दिया. द वॉइस ऑफ कॉन्शंस एंड फर्मनेस ऑफ माइंड, अंतरात्मा की आवाज़, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस क्या कहता है, अंतरात्मा की आवाज़ और मन की दृढ़ता, फर्मनेस ऑफ माइंड. यो मतलब बहुत अहम मुद्दा है, ये टॉपिक है. योर माइंड मस्ट बी एज फर्म एज अ रॉक दैट रेजिस्ट स्ट्रांग ब्लास्ट ऑफ विंड फ्रॉम ऑल साइड्स विदाउट वचिंग एन इंच. आपका मन जो है वो, उसकी दृढ़ता इतनी गंभीर होनी चाहिए, आपका मन इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना फर्म होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, एक पत्थर के भांति, एक रॉक के भांति, पत्थर के बहुत बड़े पहाड़ के जैसा मन की दृढ़ता होना चाहिए, कि ऐसा पहाड़ जो कि सभी चारों ओर से अगर उससे बहुत जोर की हवा चलेगी तो भी वो अचल रहता है. बहुत बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, उसकी अचलता कैसी होगी कि चारों ओर से अगर हवा के बड़े बड़े झोंके भी आते रहेंगे तो भी वो पहाड़ नस का तस हिलता नहीं है. इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की स्थिति होने दो, आपका मन इतना दृढ़ होना चाहिए, एक ये पर्वत के भांति वो दृढ़ होना चाहिए, वो जरा भी नस का तस हिलना नहीं चाहिए.
दिस सेइंग एल्यूड्स टू द वीकनेस ऑफ माइंड दैट पीपल एग्जिबिट व्हेन दे डू थिंग्स हाफ हार्टेडली. जब भी लोग बेदिली से या अनमनेपन से हाफ हार्टेडली, पूरा दिल उनका उसमें नहीं रहता है, आधे मन से या अनमनेपन से आधे मन से जब लोग कुछ काम करते हैं, उस समय अपने मन की जो अनमने मन से या आधे मन से जब कोई काम करता है, कब करता है, जब उसका पूरा दिल उस काम में नहीं रहता है, कुछ उसके मन में संदेह रहता है, ऐसे हाफ हार्टेडली जब कोई काम करता है, उस समय वो व्यक्ति ऐसा हाफ हार्टेडली काम करता है तब अपने मन की कमजोरी दिखाता है. तो ऐसे कमजोरी की तरफ ये जो आगे बताया है, आगे दो लाइनें देखी हमने, वो संकेत करता है. दिस सेइंग एल्यूड्स मतलब संकेत करता है वीकनेस ऑफ माइंड, मन की कमजोरी जो है. जस्ट फॉर शो बिफोर द आईज ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल, ऐसा काम वो कब करते हैं, खाली एक दिखावे के लिए करते हैं, सभी को दिखाने के लिए, संसार के सामने एक कुछ दिखावा करना है उसके लिए वो ऐसा काम करते हैं. एंड मेनी टाइम्स अगेंस्ट द वॉइस ऑफ देयर ओन कॉन्शियस, अपने खुद का जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उनका जो कॉन्शियसनेस है, उसके विपरीत भी वो ये काम करते हैं. उनको अंदर से आवाज़ कुछ और आती है और वो कुछ और करते हैं, उसके विपरीत जब वो काम करते हैं. विल एंड विश, अभी ये तीन चार लाइन का एक पूरा सेंटेंस है, उसको मैं वापस पढ़ती हूँ. दिस सेइंग एल्यूड्स टू द वीकनेस ऑफ माइंड दैट पीपल एग्जिबिट व्हेन दे डू थिंग्स हाफ हार्टेडली जस्ट फॉर शो इन टू ब्रैकेट बिफोर द आईज ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल एंड मेनी टाइम्स अगेंस्ट द वॉइस ऑफ देयर ओन कॉन्शियस विल एंड विश, खुद की इच्छा, खुद का कॉन्शियसनेस, खुद का जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उसके विपरीत जब ये लोग ऐसा काम करते हैं केवल दुनिया को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तब इस प्रकार का उनके मन की कमजोरी दिखाई देती है. फॉर इंस्टेंस, सपोज योर माइंड एंड योर कॉन्शियस ऑनेस्टली एडमिट एंड टेल यू दैट ऑफरिंग कंप्लीट सरेंडर टू अ सद्गुरु विल डू यू गुड. बाबा कहते हैं, उदाहरण के तौर पर ऐसा ऐसा ले लो, ऐसा समझो, देखो कि समझो आपका मन और आपकी अंतरात्मा पूरी ईमानदारी से ये मान्य करती है और आपको कहती है कि सद्गुरु को पूर्ण आत्मसमर्पण करना अच्छा होता है, आपके लिए अच्छा है. इन दैट केस डू इट. जब ऐसा आपको आपकी अंतरात्मा कहती है कि सद्गुरु को संपूर्ण समर्पण करना चाहिए, तो वैसा करिए. सरेंडर टू हिम योर हार्ट एंड सोल, आपका दिलो दिमाग से उसको पूर्ण आत्मसमर्पण कर दीजिए. इवन इफ द वॉइस ऑफ द होल वर्ल्ड टेल्स यू अदरवाइज, ऐसी स्थिति में पूरा संसार, पूरा विश्व आपको इसके विपरीत बोलता है, जो आपको मन को रखता है, आपके मन की अंदर की आवाज़ से विपरीत अगर विश्व कहता है, तो भी वो अगर कुछ और कहता है तो भी आपकी अंतरात्मा कहती है, तो आप वैसा ही करिए. इवन इफ द होल वर्ल्ड अपोजेस यू, पूरा संसार यदि आपका विरोध करता है, तो भी आप आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो कहती है वही कहिए करिए. डू नॉट डू इट मियरली टू प्लीज हिम, जो सद्गुरु है, केवल उसको खुश करने के लिए ऐसा मत करिए. नॉट आउट ऑफ द फियर ऑफ इनकरिंग हिज डिसप्लेजर, इस सद्गुरु की नाखुशी को डर के आप ऐसा मत करिए, ऐसा सद्गुरु से डर के, या मैंने ऐसा नहीं किया तो सद्गुरु नाराज़ होगा, ऐसा सोच के ऐसा समर्पण मत कीजिए. नॉर टू प्लीज एंड मेक अ गुड शो बिफोर अदर मेम्बर्स ऑफ द मंडली, और मंडली के जो बाकी सदस्य है उनके सामने केवल मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना आत्मसमर्पण करता हूँ, कितना आज्ञाधारक हूँ, केवल उनको अपना दिखावा करने के लिए भी ऐसा मत करिए. इन जस्ट द सेम वे इफ योर हेड एंड हार्ट रिफ्यूज टू एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच पावर इन हिम इन टू ब्रैकेट द गुरु,
इफ दे डिस्टिंक्टली टेल यू नॉट टू बो डाउन बिफोर हिम इन टू ब्रैकेट, बाबा ने यहाँ गुजराती में दिया है, पग पकड़वा तमारे अंतकरण ना पड़े, देन डोंट डू इट। इसी प्रकार यदि आपका दिल और दिमाग ऐसी कोई शक्ति उस गुरु में होने का स्वीकार नहीं करती है, योर हार्ट एंड हेड रिफ्यूज टू एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच पावर इन द गुरु, गुरु में ऐसी कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है, ये ऐसा यदि आपका दिल और दिमाग कहता है और आपको एकदम क्लियरली स्पष्ट रूप से यदि कहते हैं कि उस गुरु के सामने मत झुको, उसके पैर मत पड़ो, यहाँ पर लिखा है गुजराती में पग पकड़वा तमारे अंतकरण ना पड़े, यदि आपका अंतकरण आपका मन कहता है कि उनके पैर नहीं पड़ो, देन डोंट डू इट। यदि ऐसा है, यदि आपका अंतकरण कहता है कि उसमें कोई, यदि आपका दिल और दिमाग कहता है कि उस गुरु में कोई शक्तियाँ नहीं हैं और आपका अंतकरण कहता है कि उनके पैर मत पड़ो, तो मत पड़ो, इवन एट द रिस्क ऑफ प्रोवोकिंग हिज डिसप्लेजर। भले वो सद्गुरु नाराज हो जाए, उसकी नाराजगी का खतरा मोल कर भी आपका अंतकरण अगर कहता है कि इसके पैर मत छुओ तो मत छुओ। फॉर क्यों, द ट्रू गुरु वुड ऑन द कॉन्ट्री बी प्लीज्ड विथ सच ऑनेस्ट ओपन बोल्ड एक्शन ऑन योर पार्ट, प्रिफरिंग इट टू अ फॉल्स शो ऑफ सबमिशन एंड सरेंडर। क्यों, क्योंकि जो खरा सदगुरु है, जो असली सदगुरु है, यदि वो गुरु असली है, खरा गुरु है, तो इसके विपरीत वो नाराज होने के विपरीत क्या होगा कि आपकी ईमानदारी, आपका धारिष्ट, आपका ओपननेस, इससे वो खुश हो जाएगा, ना ही कि आप झूठ मूठ का ढोंग उसके सामने करने से भी आपकी ईमानदारी से यदि गुरु सच है तो वो खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुरु तो सबके मन पढ़ सकता है, उसको पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, इसके विपरीत आप ऐसे ही ज़बरदस्ती पैर पड़ोगे तो वो गुरु कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बाबा की हमने ऐसी कई घटनाएँ देखी है कि कोई पैर, उसके मन में कोई संदेह था और वो पैर पड़ने गया तो बाबा झट से बाजू हो गए वगैरह, ऐसी घटनाएँ आपको याद आ रही होगी। देर आर मेनी हु सीक द सद्गुरुज दर्शन एंड विजिट हिम, yet at the same time are afraid of the words disapproval and mockery, chesta thatta maskari at their stopping and bowing down before the sage feet। बाबा कहते कि ऐसे कई लोग हैं कि जो सदगुरु के दर्शन के लिए जाते तो है, उसको विजिट भी करते हैं, और उसी समय लोग क्या कहेंगे इससे भयभीत होते रहते हैं, और लोग हमारी चेष्टा मस्करी नहीं करें, हम लोगों की चेष्टा का विषय बनेंगे क्या, इससे डरे होते हैं, और फिर इस समय उसके सामने झुकते समय या उसके सद्गुरु के पैर छूते समय वो मतलब यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, और उसके सामने नतमस्तक होने के पहले यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, रुक जाते हैं। They do it nonetheless just to satisfy their own mind and soul, which honestly call for such acts of submission before him। वो बहरहाल फिर भी ये ऐसा इसलिए करते हैं अपने मन और आत्मा के समाधान के लिए। क्यों, क्योंकि उनका आत्मा और उनका मन ईमानदारी से ये कहता है उनको कि ऐसा करने के लिए है, अंदर से आवाज़ आती रहती है। बट दे डू सो हाफ हर्टेडली लाइक कॉवर्ड्स, परंतु वो ऐसा अधपन से, अनमानेपन से या बेदिली से करते हैं कि लोग उनको कॉवर्ड कहेंगे, भित्रा कहेंगे, डरपोक कहेंगे। फर्टाइली लुकिंग अबाउट हियर एंड देयर बिफोर एंड आफ्टर फॉलिंग एट हिज फीट, ऐसा पैर छूने के पहले वो यहाँ वहाँ देखेंगे चोरी छुपे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, टू एसर्टन
whether some outsider skeptical of such carryings on has seen them stooping and prostrating themselves in this way. कि उनको कोई और इस तरह से ऐसा सद्गुरु को दंडवत करते समय कोई और उनको देख तो नहीं रहा है. My advice to you all is do nothing that you don't believe in. बाबा कहते हैं कि मेरे आप सबको यही सलाह है कि जिसमें आप विश्वास नहीं करते वो कुछ भी मत करिए. डोंट एक्ट अगेंस्ट द वॉइस ऑफ योर कॉन्शियस. आपके जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसके विपरीत कुछ भी कार्य मत कीजिए. नाइदर टू प्लीज मी नॉर टू प्लीज द वर्ल्ड. ना ही मुझे खुश करने के लिए ना ही इस संसार को खुश करने के लिए. इन शॉर्ट बाबा कहते हैं कि ना ही मेरी खुशी की परवाह करो ना ही संसार की खुशी की परवाह करो और आपके अंतरात्मा जो कहती है वैसा ही करो. कितना महत्वपूर्ण है ये. मैं वापस एक बार ये सेंटेंस पढ़ती हूँ. माय एडवाइस टू यू ऑल इज डू नथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन. डोंट एक्ट अगेंस्ट द वॉइस ऑफ योर कॉन्शियस. Neither to please me nor to please the world. Be resolute, firm, unswerving, immovable as a rock in spite of the world's opposition. Sansar ka virodh ke bavajood aap drudh rahiye, adig rahiye, achal rahiye. If you really think that honestly believe that what you are doing is right. यदि आपको ऐसा कर लगता है कि ईमानदारी से आप ऐसा सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, ऐसा यदि आपको लगता है तो फिर किसी से ही मत डरिए और किसी से भी किसी भी विरोध की परवाह मत करिए. अपने करने पर अपने अंतरात्मा की आवाज़ जो आती है उसके हिसाब से करने पर दृढ़ रहिए, अड़िग रहिए. देन With reference to the upcoming changes in the life of the ashram, Shri gave the following explanation and simile. फिर अभी जो आश्रम में आने वाली गतिविधियाँ थी, जो बदलाव होने वाले थे, सभी आश्रम बंद करने वाले थे, इसके बारे में बाबा ने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया और कुछ उसके बारे में बताया. As to the closing of this whole concern at Mehrabad, the word will speak on and on. About the abrupt termination of the charitable institution. बाबा कहते हैं कि ये जो धर्मादाय संस्थाएं मैंने स्थापन की थी, हम सबको पता है कि स्कूल था, पागलखाना था, अस्पताल था, औषधालय था, लेपर्स के लिए काम कर रहे थे, मस्तों के लिए काम कर रहे थे, सारी संस्थाएं बाबा ने कहा कि एकदम से बंद कर देनी चाहिए. तो इसके बारे में संसार के लोग भले कुछ भी बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाएंगे, इनको ऐसा एकदम से एब्रप्टली ऐसा इनको बंद करने के बारे में. दे विल से दैट इट वॉज नो गुड ऑफ श्री टू हैव मेड एन एंड टू देम सो प्रेसिपिचुअसली लीविंग ऑल दिस पुअर एंड डिस्टिट्यूट एंड डिपेंडेंट पीपल हेल्पलेस एंड विदाउट रिकोर्स. वो लोग कहेंगे कि इतनी शीघ्रता से और ऐसा ये सबको बंद करने में और ये जो निराश्रित मजबूर हेल्पलेस ऐसे लोग हैं जो बाबा के ऊपर निर्भर है, उनको ऐसा ही बेसहारा बाबा छोड़ के बाबा ने अच्छा नहीं किया. पर हम यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा ने किसी को भी निराश्रित नहीं छोड़ा और सबकी पूरी व्यवस्था करके बाबा ने ये किया था. तो बाबा यहाँ कहते हैं कि लोग ये भी कहेंगे कि ये मेरे बाबा ने अच्छा नहीं किया, ऐसे निराश्रित और इतना शीघ्रता से ये सब डिसीजन लेकर के ये सब बंद किया और मजबूर लोगों को ऐसा ही बेसहारा छोड़ के मेरे बाबा ने अच्छा नहीं किया. बट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हु टॉक दिस वे हैव नो आइडिया व्हाई आई डिड ऑल ऑफ दिस ऑन सच अ वास्ट स्केल एंड देन सो अनसेरेमोनियसली शट इट ऑल डाउन अगेन. बाबा कहते हैं ये संसार के लोगों को थोड़ी भी भनक नहीं है, थोड़ी भी आइडिया नहीं है कि ये सब इतना बड़ा पैमाने में इतना जल्दी में फटाफट कैसे बनाया था. रियली इट वाज अ हर्क्यूलियन टास्क
कि किसी भी लेबर को एंगेज किए बिना इतनी सारी संस्थाएं स्थापित करना, उसका मैनेजमेंट, एंड बाबा वाज अ परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. इतना परफेक्शन हर चीज़ में उनके स्कूल में, इतनी प्रगति उन बच्चों की थी, हम सब इसके बारे में जानते हैं. तो इतना बड़ा पैमाने में ये करना और ऐसे अनाप शनाप ढंग से तुरंत उसको बंद कर देना, ये संसार के लोगों को कुछ भी इसके बारे में थोड़ी सी भी आइडिया नहीं है, भनक नहीं कि कैसे ये किया है. टू अस सदगुरुज, दिस बिजनेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ओनली अ गेम. बाबा कहते कि हम सदगुरु लोगों के लिए ये बंद करना खोलना ये एक खेल मात्र है, बट अ गेम विथ ग्रेट सिग्निफिकेंस नॉनेस. बहरहाल फिर भी ये खेल का एक अपना अत्यंत महत्व है. कैसे, वो बाबा ने आगे बताया है. एज यू आर ऑल वेल अवेयर दिस इंस्टीट्यूशंस वेयर ऑफ नो वैल्यू टू मी पर्सनली. जैसे कि आप सब लोग भरी भांति परिचित है, आपको पता है कि इन संस्थाओं का इन मेरे हिसाब से व्यक्तिशः अगर देखें तो मुझे मेरे हिसाब से इन संस्थाओं का कोई महत्व नहीं था. मेरी दृष्टि में इन संस्थाओं का बाबा कहते कोई महत्व नहीं था. आई ओनली यूज देम एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड गिविंग अ पुश टू ए सर्टन मेंबर ऑफ मी. बाबा कहते हैं कि इन सब संस्थाओं को स्थापित करके मैंने उनका केवल एक साधन करके उपयोग किया. किसके लिए? आध्यात्मिक प्रगति के लिए. और कुछ जो मंडली के सदस्य है, मेंबर है, उनको आध्यात्मिक पुश देने के लिए, उनका और प्रगत करने के लिए केवल ये एक माध्यम था. हु डिजर्व इनटू ब्रैकेट दिया है, दैट इज मेंबर्स ऑफ माय सर्कल, मेरे मंडल के जो सदस्य है उनके लिए, उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये केवल एक माध्यम था. हु डिजर्व एंड वेर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, जो कि इसके लिए, इस आध्यात्मिक प्रगति के लिए, पुश के लिए पूरे तैयार थे, उनकी तैयारी थी और उसके वो लायक थे. ये हमने पहले भी कई लेक्चर में देखा है कि सदगुरु का ये कर्तव्य होता है कि जिनकी ऐसी आध्यात्मिक प्रगति हो गई है, जिन्होंने अपने आप में को उस मार्ग में इतना तैयार किया है, उनको सदगुरु ढूंढते रहते हैं ऐसे आत्माओं को, और उनको स्पिरिचुअल पुश देके उनका और आध्यात्मिक प्रगति कैसे होए, उनको गॉड रियलाइजेशन कैसा होए, इसके बारे में देखते हैं. माय ऑब्जेक्ट एंड पर्पस फुलफिल्ड, आई क्लोज देम ऑल डाउन. बाबा कहते हैं कि मेरा जो उद्देश्य था इसके पीछे, कि मंडली के कुछ सदस्यों को आध्यात्मिक पुश देने का, उनको तैयारी कर लेने का, वो पूरा हो गया, मेरा हेतु पूरा हो गया, इसलिए मैंने वो सब बंद कर दिया. टेक द एनालॉजी ऑफ अ बेल. आगे बाबा इसको और समझाते हैं, क्योंकि इतना कह के भी हम लोगों को दुख होता है ना. आज की तारीख तक हमको लगता है अरे कितना बाबा काम कर रहे थे, कितने अच्छा स्कूल था, रहने देते थे, है ना, क्योंकि हमारी अटैचमेंट है उसके बारे में, हमारी एक आस्था है. तो इसके माध्यम से बाबा ये भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे भी किसी भी कर्म से अटैच नहीं होना चाहिए. अटैचमेंट से क्या होना है, उससे उसके प्रति अटैचमेंट होगी, लालसा होगी, तो क्या होगा, कर्मों का बंधन होगा, संस्कार बढ़ेंगे, और वो संस्कार उनसे छुटकारा पाना है. तो इसीलिए सभी कर्मकांड के भी बाबा विरुद्ध थे, कि कर्मकांड से भी वो कर्मों का बंधन होता है, उस प्रकार के संस्कार जमा हो जाते हैं. तो ऐसे ही इससे भी है कि एक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. टेक द एनालॉजी ऑफ, तो इसके बावजूद हमको लगता है अरे ये बंद नहीं करना चाहिए था, मतलब क्यों अटैचमेंट के बावजूद. इसके लिए बाबा आगे जाके और समझाते हैं, ताकि उसको लोग, मंडलीजन, अच्छे से समझ भी ले और वो स्वीकृत भी करे. इसके लिए आगे जाके बाबा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है. टेक द एनालॉजी ऑफ अ बेल. बाबा कहते हैं एक जो घंटी रहती है, बेल रहती है, उसका उदाहरण ले लो. डू यू नो हाउ अ बेल इज मेड? आपको पता है बेल कैसी बनाई जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्ले और अर्दन मोल्ड इज प्रिपेयर्ड. जैसे है मिट्टी का एक साचा बनाया जाता है, एंड देन द ऑक्साइड ऑफ ब्रास इन मोल्टन लिक्विड फॉर्म इज पोर्ड इनटू इट. और फिर ये साचे में जो पीतल है
और पीतल का जो लिक्विड होता है, धातु रस रहता है, इस साँचे में उसको डाला जाता है. When this liquefied oxide cools and rises and solidifies, the brass bell is drawn out from its encasement and the clay mold broken and thrown away. जब यह धातु का रस जम जाता है, उसमें सख्त हो जाता है, तब क्या किया जाता है कि जो ये लिक्विड मतलब जो धातु का रस है वो सख्त हो जाता है, तब उसका जो बक्सा है उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है और ये जो मिट्टी का साँचा है उसको तोड़ के फेंक दिया जाता है. तो बाबा यहाँ बेल बनाने की पूरी प्रोसीजर बताते हैं कि बेल कैसी बनती है, कि मिट्टी का साँचा बनाया जाता है, उसमें यह पीतल का धातु का रस डाला जाता है. जैसे यह धातु का रस ठंडा हो जाता है वो जम जाता है, सख्त हो जाता है. जैसे वो सख्त हो जाता है तो बाहर का बक्सा निकाल के फेंका जाता है और ये जो मिट्टी का साँचा है उसको भी निकाल करके फोड़ करके निकाला जाता है और फेंक दिया जाता है. क्यों? क्योंकि उसका काम पूरा हो गया. बेल अभी बन गई, काम जो पीतल की बेल है ये बन गई है, तो अभी साँचे का कुछ काम नहीं है. फॉर नाउ इट इज़ नो मोर नीडेड. द क्ले मोल्ड वॉज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द बेल इट्स रिक्वायर्ड प्रॉपर शेप. ये जो मिट्टी का साँचा है केवल इसीलिए बनाया गया था कि वो बेल का अपना आकार दे दे. अब वो काम खत्म हो गया तो उसको फेंक दिया. उसका कोई काम, साँचे का अब काम नहीं, अब काम बेल का शुरू हो गया. वेन द बेल इट सेल्फ हैज बीन मेड, वॉट फर्दर यूज इज द मोल्ड. जब बेल बन गई है तो साँचे का क्या काम है. इन जस्ट द सेम वे इसी प्रकार बाबा कहते माई वेरियस वर्किंग्स इन मेहराबाद with these institutions of charity served only as the means of carrying out my plans for giving salvation and a spiritual push and upliftment to some certain people. Baba kehte bilkul isi prakar ye jo dharmadaya sanstha hai yahan par maine sthapit ki thi uska keval ek hi uddesh tha ki kuch gine chune logon ko mere mandali ke sadasyon ko. ये योजना ही इसीलिए थी कि ये मंडली के सदस्यों को मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर उनको उन्नति की जाए, इसी कारण इनको बनाया था. दिस पर्पस हैविंग बीन अचीव्ड आई क्लोज्ड एवरीथिंग डाउन अगेन. जब ये मेरा उद्देश्य था कि मेरे मंडली के कुछ सदस्यों को मुझे आध्यात्मिक पुश देना था, उनकी उन्नति करनी थी मोक्ष मार्ग पर, उनको मुक्ति के मार्ग पर प्रगत करना था, ये मेरा उद्देश्य सफल हो गया, इसलिए मैंने ये धर्मादाय संस्थाएं बंद कर दी. वो हम इस बारे में हम लोगों को एक मुझे एकदम से याद आ रहा है, एडके मास्टर की सबको कथा पता है. जो एडके मास्टर थे तो उस समय में उनको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिली थी. वो बाबा के पास आए और बाबा को बताया तो बाबा ने कहा कि फाड़ के इसको टोकरी में डालो. उस समय बहुत अहमियत थी कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के जॉब की. 1926-27 की ऐसी बात है, उसके पहले की बात है. और बाबा ने कहा तो उन्होंने वो अपॉइंटमेंट लेकर फाड़ के टोकरी में डाला. ये प्रिपेयर्डनेस होता है, ये तैयारी होती है. इतना आसान नहीं है कि उभरती उम्र में जब संसार की जिम्मेदारी कंधे पर है और आपको मिला हुआ जॉब छोड़ कर के बाबा कहते हैं कि मेरे स्कूल में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पगार मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे ही काम करो. और बाद में वो स्कूल भी बाबा ने बंद किया तो उनको वो गैरेज में मैनेजर करके काम करना पड़ा, वो भी उन्होंने किया. ये तैयारी होती है. ये ऐसा बाहरी सांसारी लोगों के हिसाब से देखे तो उनको लगेगा ये क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे. तो जो आध्यात्मिक पुश उनको दे, उनका जो तैयारी करनी थी, जैसे धाके पढ़कर भी वहाँ पर टीचर थे और उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी बाबा के सामने. बाबा की स्कूल में नौकरी करने के लिए ढाके पढ़कर ने अपनी शर्तें बाबा के सामने रखी थी और जिनका पालन बाबा ने बखूबी सभी हालत में किया, यह हम जानते हैं. खैर आगे चलते हैं. व्हाट डू द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल अंडरस्टैंड ऑफ द स्पिरिचुअल वर्किंग्स. ये संसार और उसके लोग ये जो आध्यात्मिक कार्य प्रणाली के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं. दे मिस्टेक द क्ले द अर्दन मोल्ड फॉर द बेल इट्सेल्फ. जो साँचा है मिट्टी का उसी को वो बेल समझते हैं.
इन अदर वर्ड्स दे मिस्टेक द मीन्स फॉर द ओरिजिनल. जो मूल हेतु है उसको भूल जाते हैं और जो साधन है उसी को ही अंतिम साध्य समझते हैं. कि ईश्वर को प्राप्त करना ये मूल हेतु है, उसको छोड़ करके वो मूर्ति, वो पूजा, वो बेल, वो संध्या, वो फूल, इसी सभी में उसी को वो साध्य समझते हैं. वो पूजा को ही वो साध्य समझते हैं, नहीं, वो साधन है, उसको वो भूल जाते हैं. द मेथड फॉर द इंटेंट दे रिगार्ड माई मेंटेनेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस एज माई रियल एंड ओरिजिनल मिशन एंड ड्यूटी व्हेन सच इज नॉट द केस. जो है वो साधन को ही साध्य समझते हैं और जो पद्धति है उसको इरादा समझते हैं. दे रिगार्ड माई मेंटेनेंस ऑफ दिस इन संस्थाओं का रखाव करना यही मेरा असली और मूल हेतु है, यही मेरा कार्य है, यही मेरा उद्देश्य है, मिशन है, ड्यूटी है, ऐसा वो समझते हैं. लेकिन वैसा नहीं है. द रियल एंड प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ सद्गुरु इज टू बर्न एंड डिस्ट्रॉय ऑल द संस्कारास ऑफ हिज डिवोटीज एंड भक्तास. कोई भी सद्गुरु की जो प्राथमिक कर्तव्य कोई भी सद्गुरु का ये रहता है कि उसके जो भक्त है, शिष्य है, उनके सभी संस्कारों को जला करके ख़त्म करना है. कोई भी सद्गुरु की ये प्राथमिक उसकी दायित्व रहता है कि अपने शिष्यों के संस्कारों को ख़त्म करें. फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट एम दोज हु डिज़ायर टू बी हिज डिवोटीज मस्ट सरेंडर टू हिम हार्ट एंड सोल. इस हेतु को पूरा करने के लिए उसके जो भक्तगण है या शिष्यगण है उनको अपने गुरु के लिए पूरे दिलो दिमाग से पूर्ण समर्पण करना चाहिए. लाइक ड्राई वुड दैट बर्न्स इन द फायर ईजिली एंड विदाउट रेजिस्टेंस. जैसे कि सूखी लकड़ी है जो अग्नि में सहजतया और कोई प्रतिकार किए बिना आराम से जल जाती है. अनलाइक वेट पीसेस ऑफ वुड दैट डू नॉट बर्न क्विकली बट क्रिएट अ स्मोकी न्यूसेंस. इसके विपरीत जो गीली लकड़ी आप अग्नि में डालोगे तो बहुत तकलीफ देती है, सारा धुआं हो जाता है और आराम से जल्दी से जल नहीं जाती है. दिस ट्रू डिवोटीज मस्ट प्रिपेयर देमसेल्व्स टू बिकम ओबेडियंट, सबमिसिव एंड सर्विसेबल टू द गुरु व्हेनेवर एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड. जहाँ भी ज़रूरत हो, जैसे भी ज़रूरत हो, जिस प्रकार से भी ज़रूरत हो, ये जो सही शिष्य, असली शिष्य है, उनको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि पूरी विनम्रता और पूर्ण आज्ञाधारकता और गुरु के प्रति सेवा, जिस सेवा को जैसा भी जहाँ भी देना है, इस प्रकार से उनको शिष्यों को, असली शिष्यों को अपने आप को बनाना चाहिए. Thus allowing him, him means Sadguru, thus allowing Sadguru to destroy their sanskaras. ऐसा करने से सदगुरु अपना कार्य, उनके प्रति जो दायित्व है वो क्या है, उनके संस्कार खत्म करने का, वो दायित्व सदगुरु अपना निभा पाए. Those residuals bearing the attributes of Maya, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, in whatever way he likes. जो बाकी के लोग हैं अपने ये मायावी जगत में, ये जो षड रिपु है इसमें अपने आप को खो दे सकते हैं. इन अ वर्ड द डिवोटी शुड प्रेजेंट नो ऑब्स्ट्रक्शन नॉट ऑब्स्टेकल नॉट इवन द स्लाइटेस्ट हिंड्रंस टू द सद्गुरु इन हिज टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द डिवोटी स्पिरिचुअली फॉर द एंड ही हैज इन माइंड बट ओनली एन एब्सोल्यूट सरेंडर एंड सबमिशन. इसीलिए एक वाक्य में, एक शब्द में बोलना है तो इन शिष्यों में सद्गुरु के कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालनी चाहिए. थोड़ा भी हिंडरेंस, मतलब थोड़ी भी बाधा नहीं चाहिए. ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल, हिंडरेंस, सभी मतलब बाधा. कौन सा कार्य सद्गुरु का? सद्गुरु का वो कार्य कि उसको, ये शिष्य को, उसके मन में जो ये शिष्य के प्रति आध्यात्मिक एक ध्येय है उसकी प्राप्ति के लिए वो सद्गुरु जो कुछ वो शिष्य के लिए करता है उसमें शिष्य ने बाधाएं नहीं डालना चाहिए. हमने देखा था पहले एक प्रकरण में कि सद्गुरु
ये शिष्यों के पहले सभी जन्म जानता है, अभी ये जन्म भी जानता है और इसके पहले के सभी जन्म जानता है, और इसीलिए पहले जन्म में उसने क्या कर्म किए, उसके संस्कार कैसे है, किन लोगों के साथ उसका पल्ला पड़ा है, किन लोगों के साथ उसके बंधन है, वो सब सदगुरु देख सकता है। इसके लिए संसार के लोगों को इसकी आज्ञाएं विचित्र लगेगी, लेकिन सदगुरु को पता होता है कि मेरे शिष्य के हित में मुझे क्या करना है। तो जो सदगुरु का कर्तव्य शिष्य के प्रति होता है कि उसको इस संसार के चुगुल से बचाना है, उसके संस्कार खत्म करना है, उसके संस्कार नष्ट करना है और आध्यात्मिक पथ पर उसको आगे लेके जाना है, उसके लिए जो सदगुरु ने अपने मन में सोचा है, इसके लिए सदगुरु जो कुछ कार्य उसके ऊपर करता है, जो कुछ आज्ञा देता है, उसको जो करने के लिए कहता है, उसमें शिष्य ने कोई भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। और कंप्लीट और पूर्ण समर्पण और विनम्रता से उसकी सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लेक्चर 23 अक्टूबर का ख़त्म होता है। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, बताना है, शेयर करना है तो बोलिए, नहीं तो आगे का हम इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स? वेरी गुड, नहीं है, आगे चलते हैं। आगे का लेक्चर है 1 नवंबर 1926 का, ये सोमवार था। तो इसमें बाबा ने कुछ पहेलियाँ बुझाई है, तो हम भी वो सब पहेलियाँ सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, वो रिडल्स सॉल्व करने की। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी बाबा लाइटन द मूड बाय पोजिंग अ ग्रुप ऑफ रिडल्स टू द मंडली। अब जब ये सारी गतिविधियाँ बहुत हेक्टिक चल रहा था, सारी बिल्डिंग्स तोड़ना, वो सब बंद करना, ऐसा बहुत उनका बिजी शेड्यूल था ये, और उनका मूड भी ठीक नहीं था कई जिस शिष्यों का, जैसा हमने देखा, तो थोड़ा उनको लाइट मूड करने के लिए बाबा ने उनको कुछ पहेलियाँ बताई। द 27th अक्टूबर एंट्री इन द कम्बाइंड डायरी रिलेट्स द स्टोरी दस। तो 27 अक्टूबर का यहाँ पर लेक्चर दिया गया नहीं, या गतिविधियाँ है नहीं, क्योंकि उस दिन लेक्चर नहीं दिया गया होगा, तो उस दिन क्या हुआ वो डायरी में, कंबाइंड डायरी में दिया है कि ऐसा हुआ था। बाबा हैड गिवन अ रिडल फॉर सॉल्यूशन टू द मंडली यस्टरडे विद द प्रॉमिस ऑफ मिल्क एंड जिलेबी टू दोज हु गेव द करेक्ट आंसर। तो इसमें कहा है कि कल बाबा ने मंडली को एक पहेली बुझाने के लिए दिया था और ऐसा कहा था कि जो सही उत्तर देगा उसको दूध और जिलेबी दी जाएगी। Some members tried the puzzle, but none could answer it to the point. एक महीने का recording का, हाँ तो हम 1 नवंबर 1926 का लेक्चर दे रहे हैं। बाबा ने पहेलियाँ दी थी बुझाने के लिए, तो कुछ मंडली जन ने ये पहेली सॉल्व करने की कोशिश की, बट किसी ने भी पूरा उसका कंप्लीट उत्तर नहीं दे पाए। ढाके एंड रुस्तुम जी गॉट 10 and 4 marks respectively आउट ऑफ 100 फॉर देयर एक्सप्लेनेशंस। 100 में से ढाके फड़कर जो है उनको 10 मार्क मिले, मतलब मैक्सिमम इनमें सब में से, और रुस्तुम जी को 4 मार्क मिले बस, बाकी किसी को कुछ नहीं आया। जो भी स्पष्टीकरण के लिए, विच वे द बेस्ट दैट द मंडली हैड बीन एबल टू ऑफर सो फार। सभी मंडली में से ढाके और रुस्तुम जी ने ही अच्छा ये किया, प्रदर्शन किया, और जिसमें ढाके फकीर को 100 में से 10 मार्क मिले थे। फाइनली बाबा हिमसेल्फ एक्सप्लेन द रिडल। अंत में बाबा ने खुद ने ही वो पहली बुझाई, अलॉन्ग विथ सेवरल अदर्स दैट ही हैड गिवन आउट एज फॉलोस। बाकी और भी बहुत था इसके, जैसा कि आगे दिया गया है। अब फर्स्ट रिडल सब लोग ध्यान से प्लीज़ सुनिए, क्योंकि यह आप लोग के लिए पहली है, और कृपया करके आगे आकर बताना है इसका जवाब क्या है। आपके बताने के बाद ही यहाँ पर बाबा ने क्या दिया है वो हम बोलेंगे। फर्स्ट रिडल, पहली जैसा दिया मैं वैसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सांगे, देखो ये मराठी में बाबा ने बोला है, सांगे एक व करे एक, इनटू ब्रैकेट इंग्लिश में लिखा है, वो भी मैं पढ़ती हूँ। ही हु सेज वन थिंग एंड डज अनदर, हिंदी में वो कौन
जो बोलता एक है और करता एक है। बोलिए, ये तो जल्दी आ जाएगा, फटक से आ जाएगा, ये सिंपल है। नहीं, यहाँ बिल्कुल उल्टा बताया वंदना जी आपने। यहाँ रीडल ये है जो जी बिल्कुल 100 out of 100 प्रदीप भाई परफेक्ट ढोंगी। जो वंदना जी समझ लीजिए, शायद मैं ठीक से बोली नहीं, जो बोलता एक है, नहीं जो बोलता एक है, हमको यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, सॉरी, जो बोलता एक है और करता दूसरा है, करता ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और अपने यहाँ क्या बोलते हैं संत लोग, बोले तैसा चाले त्याची वंदा वी पाऊले, जो बोलता है उसी प्रकार काम करता है, उसके चरण छूना चाहिए, ऐसा हमारे संत लोग कहते हैं। तो कुमार भाई ने परफेक्ट उत्तर दिया है। आप लोग अपने माइक बंद कर सकते प्लीज़, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर उसमें ये नहीं हो जाए। तो इसका उत्तर है ढोंगी, आंसर है इसमें बागलो भगत, अ हिपोक्रेट, जो बोलता एक है और करता कुछ और है, तो ढोंगी ये उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तैयार रहिए आगे की रिडल के लिए, सेकेंड रिडल, आगे की पहली। खरे तीन तर सरे एक, खरे तीन तर सरे एक, इनटू ब्रैकेट व्हेन थ्री ड्रॉप वन इज अचीव्ड, जब तीन जाते हैं तो एक को आप पाते हैं। जब तीन जाते हैं, आप लोग आराम से दे सकेंगे, वाजपेयी जी क्यों लेट किए, कोई बात नहीं, आप में से जवाब देंगे कोई प्लीज़, ये भी सिंपल है। एक्चुअली उधर हरे होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, पर पता नहीं, अगर गुजराती वर्ड है तो हरे, हरे तीन तर सरे एक, परफेक्ट। हाँ सुनीता जी, जय बाबा, थैंक यू, परफेक्ट परफेक्ट बताया सुनीता जी, निगम है हमीरपुर से हमारे साथ, उन्होंने परफेक्ट जवाब दिया है। तो बाबा का जवाब भी पढ़ लेते हैं। काम क्रोध ने लोभ खरे तो खुदा मलवानो काम सरे। हाँ जी, हाँ, तो यही बाबा ने दिया है, व्हेन लस्ट एंगर एंड ग्रीड ड्रॉप देन वन अचीव्स गुड गॉडहुड। सुनीता जी आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपका माइक, हाँ जी जी बिल्कुल, मैं बाबा का जवाब पढ़ रही हूँ पूरा, आप माइक बंद करेंगे प्लीज। हाँ, तो व्हेन थ्री ड्रॉप्स वन इज अचीव्ड, जब तीन जाते हैं तो एक को प्राप्ति होती, एक की प्राप्ति होती है। काम क्रोध ने लोभ खरे तो खुदा मरवानु कम सरे, तो यही गुजराती में बाबा ने लिखा है, बोला है, व्हेन लस्ट एंगर एंड ग्रीड ड्रॉप देन वन अचीव्स गॉडहुड, जब क्रोध, काम क्रोध लोभ, ये काम क्रोध और लोभ चले जाएंगे तो ईश्वरत्व प्राप्त हो जाएगा। ये थी दूसरी पहेली। अब तीसरी पहेली, तैयार हो ना? तीसरी पहेली, मरे चार तर डरे एक, मरे चार, काफ़ी सारा मराठी है शायद इसमें, और बाबा ने मिक्स भी लैंग्वेज यूज़ करते थे, कुछ मराठी कुछ गुजराती, तो थोड़ा डिफिकल्ट कभी कभी हो सकता है। तो मरे चार तर डरे एक, व्हेन फोर डाई देन वन फियर्स, जब चार मर जाते हैं तो एक डर जाता है, जब चार मर जाते हैं तो एक डर जाता है, वन फियर्स, चारों का मरने के बाद एक डर जाता है। इसका जवाब दीजिए कोई प्लीज, ये भी सिंपल है, उसी लाइन में है, क्लू भी दिया आगे। हाँ जी उषा जी, डेहराडून से उषा रगरा,
बिल्कुल सही है। हाँ उषा जी बिल्कुल 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 सही है। ब्रजेश जी आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, भगवान डरेंगे कैसे? यहाँ आपका जवाब आधा सही है आधा गलत है। और कोई बोलना चाह रहे हैं? ब्रजेश जी हाँ, तो ये मर जाने से बिल्कुल सही है। डरेगा कौन? ये हुई ना बात, ये किसने कहा? माया डरेगी, बिल्कुल सही है। थैंक यू, जय बाबा। आप माइक बंद कर सकते हैं। तो मैं बाबा का जवाब पढ़ती हूँ, बिल्कुल यही है। काम क्रोध लोभ ने आशा मरे, त्यारे माया डरी जाए। जब काम when lust, anger, greed and hope die, then Maya is afraid. जब अपना माइक बंद करिए थोड़ी देर प्लीज, आगे की रिडल के टाइम आप जवाब दे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जय बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपका माइक चालू है, बंद करेंगे प्लीज? केप की भगवान घेला When lust, anger, greed and hope die, then Maya is afraid. जब काम क्रोध लोभ और आशा या उम्मीद मर जाती है तब माया खत्म हो जाती है। मतलब ये चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो माया का विनाश होगा, माया नष्ट हो जाएगी। अब जब माया नष्ट हो जाएगी तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। आगे का चौथा रीडल है, चौथी पहेली, इसको जरूर देख लीजिए। खोटे दोन वा खरे एक, खोटे दोन व खरे एक, ये पूरा मराठी में बाबा ने दिया है। खोटे दोन व खरे एक, बहुत सुंदर है, बिल्कुल बिल्कुल। खाली शब्द अलग है कुमार भाई, द्वैत और अद्वैत। तो मैं आगे पढ़ रही हूँ। इनटू ब्रैकेट, टू आर फॉल्स एंड वन इज ट्रू। मतलब दो जो है गलत है, भ्रम है, फॉल्स है, और एक ही सही है। एक ही सही मतलब अद्वैत। कुमार भैया जो भोपाल से जुड़े हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अद्वैत और द्वैत के बारे में ये पहेली बहुत सुंदर खेल है। तो बाबा का जवाब भी पढ़ लेते हैं। ड्युअलिटी खोटी ने एकता ही खरी। कितना सुंदर शब्द बाबा ने यूज़ किया है, एकता ही। ये एकता ही बोलते ही आप लोगों को क्या याद आया बताइए मुझे? मेहराबाद का टोम पे जो लिखा है, सेवकाई में प्रभुताई, वैसा ही एकता ही शब्द है। या बाबा का अपना वर्ड है, इसको आप डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे तो कहीं मिलेगा ऐसा लगता नहीं। तो ड्युअलिटी खोटी ने एकता ही खरी। जो द्वैत है वो खोटा है, फॉल्स है, भास है, और जो अद्वैत है, एकताई है, वो ट्रू है, खरा है। फाटक साहेब पुढच्या प्रश्न पहेलीचं तुम्ही उत्तर द्याल। मला माहीत नव्हतं तुमचा माईक आणि मी बघितलं नाही, आता मला दिसला तुम्ही। पुढच्या पहेलीचं उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करा। हमारे बीच और एक विद्वान सज्जन है, वो आगे का पहली का जवाब देंगे। तो खोटे दोन व खरे एक मतलब ड्युअलिटी खोटी, जो द्वैत है वो खोटा है और अद्वैत है वो खरा है। ड्युअलिटी इज फॉल्स एंड वननेस इज ट्रू। द रीडल एंड आंसर इन गुजराती, थोड़ा फुटनोट पढ़ लेते फिर आगे की पहली की तरफ चलते हैं। द रीडल एंड आंसर आर इन गुजराती। आशा रेंडर्ड Here as hope can also mean desire. बाबा बोलते हैं कि डिज़ायर फॉर डिज़ायरलेसनेस, निरिच्छ होने के अलावा और किसी की भी इच्छा नहीं करना है। तो रिडल, इसलिए यहाँ पर ऊपर जो था ना आशा लिखा था तो वो है इच्छाएँ ख़त्म होनी चाहिए। द रिडल इज़ इन मराठी, जो बोला हमने देखा है खोटे दोन व खरे एक, एंड द आंसर इन गुजराती। तो ये को बाबा का माहिर थे, बाबा सभी लैंग्वेजेस में मिक्स यूज करते थे। आगे चलते हैं। द इन द कोर्स ऑफ गिविंग फोर्थ दीज सोल्यूशंस, बाबा पोस्ट अनदर टीजर टू द मंडली।
अब जो ये सहेली पहेलियों के जवाब बाबा दे रहे थे, उस समय बाबा ने आगे और एक पहेली बुझाई। तो वो पहेली क्या है वो देख लेते हैं। सब लोग सुनना है, ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए। 16 में से 100 गए तो रहे 0, शून्य। 16 में से 100 गए, किसी का तो भी माइक चालू है इसलिए 16 में से 100 गए तो रहे 0, तो इनटू ब्रैकेट आउट ऑफ 16 इफ 100 इज रिमूव्ड 0 रिमेन्स। तो मैं ये जो इनटू ब्रैकेट इंग्लिश लिखा इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगी तो पहली बुझ जाएंगी। 16 में से 100 गए तो रहे 0, 0। अब इसका जवाब दीजिए प्लीज फाटक साहब। ये फाटक साहब जो है नाबार्ड के डिप्टी जनरल मैनेजर करके रिटायर हुए हैं, हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं आज डोंबिवली से। फाटक साहब, 16 में से 100 गए 0 कैसे रहेंगे? 100 गए, और बाकी बाबा प्रेमी भी कोशिश करे, कोई और बताना चाहेगा इसका उत्तर? यस कुमार भाई, यू आर राइट। हाँ हाँ एक मैं हिंट देना चाहूँगी, यहाँ पर बाबा शब्दों का खेल कर रहे हैं, तो अब इस प्रकार से उसको सुलझाने की कोशिश करिए। बाबा शब्दों का खेल कर रहे हैं तो इस तरह से इसको सुलझाने की कोशिश करिए, शायद हो जाएगा। 16 में से 100 गए तो रहे 0, ठीक है। आगे बाबा का जवाब मैं पढ़ के बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, आप ध्यान दे के सुनिए। हाँ जी बिल्कुल उषा जी बोलिए। नहीं खैर नहीं, हाँ जी जी नहीं, हाँ यहाँ पर हम भी हार गए, मुझे भी ये समझ में क्वेश्चन ही नहीं समझ में। जी देशपांडे भाऊ बोला। ठीक है जी, हाँ नील को जय बाबा, नील बोलिए। नहीं 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 नहीं, चलो अभी केवल देशपांडे भाऊ जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी ये सारे मैं अपना ग्रुप में पोस्ट कर चुकी हूँ, और अभी ऐसा हो रहा है कि पोस्ट के उपरांत हम इसको पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा था कि किसी ने किसे पढ़ा होगा, तो देशपांडे भाऊ ने पढ़ा है, वो वही कह रहे मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे मालूम है। पर अब हम बाबा का जवाब सुनते हैं, थोड़ा पानी पी लो। सॉरी तो बाबा ने यहाँ पे शब्दों का बहुत सुंदर खेल किया है, अपने माइक कृपा करके बंद करना है। तो इसको हम पढ़ते हैं, 16 में से 100 गए तो रहे 0। अब ये इंग्लिश वर्जन उसका पढ़ने के लिए हम थोड़ा गड़बड़ा गए, वो नहीं पढ़े तो उसके बिना पढ़े आगे जाते हैं। When explained by Baba, this riddle was found to hinge on a pun on the word sola. ये जो तुकमा है पोटी है, ये शब्दों का खेल है, वर्ड प्ले है ना, विद द वर्ड सोला। अब सोला कहे तो 16 शब्द नहीं है, जो 16 है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि इसको ये बुक में क्या किया है उन लोगों ने, इनटू ब्रैकेट उसको पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के कारण वो पूरा हम और भटक जाते हैं, मतलब रास्ता हमारा भटक जाता है।
तो यहाँ पर बाबा ने इस पहेली को टुकमा किया है, जरा शब्दों की खेल किया है। यहाँ 16 शब्द पे बाबा ने कोटि की है या उसका टुकमा बनाया। कैसे? When so मतलब 100 is taken out, only la remains। देखो शब्द है 16, हिंदी में सोचिए, इंग्लिश छोड़ दो और फिगर को भी छोड़ दो, खाली शब्द को पकड़ो। 16 शब्द है, 16 में से 100 गया, 100 मतलब 100 मत सोचो, शब्द 100 गया, तो नीचे शब्द रहता है ला। अब ला का मीनिंग क्या है? विच रिमेन्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोमेंटेंस मीन्स नथिंग, जीरो। मुस्लिम लोगों में ला को नथिंगनेस कहते हैं, नथिंगनेस को ला कहते हैं, मोमेडियंस जो है नथिंगनेस को या जीरो को ला कहते हैं। तो इसीलिए हाँ, 16 में से 100 गया, नीचे रह गया जीरो, मतलब 16 शब्द में से 100 शब्द गया, तो ला रहता है मतलब जीरो, नथिंगनेस। ये वर्ड क्या है? नथिंगनेस है, जीरो है। बाबा हमेशा कहते हैं ये संसार मतलब जीरो है, तो 16 में से 100 गया तो ला रह गया मतलब नथिंगनेस, जीरो रह गया। आगे चलते हैं, आगे और भी एक सुंदर पहेली है, उसको ला शब्द जी, ला शब्द जो है वो मोमेडियंस में ला को नथिंगनेस या जीरो कहते हैं। ये देखो देशपांडे भाव ने बता दिया कि ला इलाह इल्लल्लाह, तो ये पूरा जानना पड़ेगा, उर्दू सीखना पड़ेगा कि नथिंगनेस में, तो जो किताब है हमारी नथिंगनेस, नथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट नथिंग, और हमने पहले एक चैप्टर में देखा कि वो जो सर्कल का आकृति था, आपको याद होगा वो सर्कल की आकृति में ऊपर क्या था? नथिंगनेस, जीरो। फिर इसमें हलचल निकली और फिर वो ओम पॉइंट या क्रिएशन पॉइंट, और उसमें से जिसको हम कहते हैं तो एवरीथिंग कैसा हो गया, वापस नथिंगनेस ने जीरो। तो ये ला का मतलब है नथिंगनेस या जीरो, इसको ये उर्दू शब्द होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बाबा ने मोमेडियंस यहाँ लिखा है, तो मोमेडियंस जीरो या नथिंगनेस को ला कहते हैं। अरेबिक है कह रहे देशपांडे भाव, तो 16 में से 100 गया मतलब ला रह गया मतलब नथिंगनेस। ऑन द सेम डे बाबा प्रोवाइडेड फर्दर अम्यूजमेंट फॉर द मंडली, उसी दिन बाबा ने मंडली के लिए और थोड़े आश्चर्यकारक या अम्यूजमेंट या खेल जैसा। इन द मिडस्ट ऑफ द इंटेंस लेबर ऑफ डिसमेंटलिंग मेहराबाद इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस फ्यू वीक्स, ये चंद हफ्ते में जो कुछ मेहराबाद में गतिविधियाँ बहुत लेबरसम श्रम वाला सब काम चल रहा था, सब बिल्डिंग उनको डिसमेंटल कर रहे थे, बनवाई भी मंडली ने थी और तोड़फोड़ भी मंडली कर रहे थे, हथौड़े से ये सब करके उनको प्रैक्टिकली तोड़ा गया था। तो इसके बीच में थोड़ा उनको एम्यूजमेंट के लिए बाबा ने और एक पहेली बुझाई विथ अनादर ऑफ दिस माइंड बेंडर्स, दिमाग झुकाने वाला जो और एक था ऐसा एक पहेली बुझाई, बट ही लेफ्ट इट अनएंसर्ड एट द टाइम। पहली तो बाबा ने बोल दी और उनको बोला सोचो, और उन्होंने उस समय उसका जवाब नहीं दिया, बट ही लेफ्ट इट अनएंसर्ड एट द टाइम। बट 4 डेज लेटर ऑन 1st November एट 1 PM द बेल रैंग आउट अगेन, 4 दिन बाद 1 बजे अचानक बेल बजी, और सबको मालूम है बेल बजी मतलब बाबा ने बुलाया, तो बाबा का आदेश था जो कुछ कर रहा है जिस भी स्थिति में हो उस स्थिति में उसको तुरंत आना है बिना रुके। तो हमको एक हकीकत भी मालूम है, किसी ने आधी दाढ़ी की थी तो वैसा ही चला गया। तो एनीवे, तो 4 दिन बाद बाबा ने 1 बजे बेल बजाई और सभी लोग वहाँ, दिस टाइम इट वॉज फॉर द सोल्यूशन ऑफ द पजल, और वो बेल इस समय इसलिए थी कि ये जो पहेली थी उसका उत्तर देने के लिए ये बेल बजाई थी। द टिफिन लेक्चर्स रिलेट बाबाज एक्सप्लेनेशन, तो ये क्या पहेली और उसका क्या उत्तर था, बहुत सुंदर है। तो कोई भी कितना भी मैथमेटिशियन मास्टर होने दो, उसके दिमाग में ये आएगा ही नहीं उत्तर, हम भी इसका आधा ही कर पाए, पूरा नहीं कर, 12 तक पहुंचे नहीं, वो बाद में क्लिक हुआ। इसका हेडिंग ही है
अ स्पिरिचुअल रिडल, आध्यात्मिक पहेली. 5 - 7 = 12. सब सोच सकते हैं 5 में से 7 गए तो रह गए 12. अब तक की पहेलियाँ सोच करके आप लोगों का दिमाग उस दिशा में निश्चित फिर रहा है. आप लोग शायद इसका जवाब दे पाओगे. आपको मालूम है कि बाबा कोई ऐसी वैसी पहेली तो डालेंगे नहीं, सब आध्यात्मिक ही है वहाँ. तो 5 - 7 = 12. इफ 7 बी रिमूव्ड फ्रॉम 5, द नंबर रिमेनिंग इज 12. 5 में से यदि 7 को माइनस किया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो 12 रह जाते हैं. वो कैसा, कौन बताता है? सब रेडी है पहली के लिए? 5 में से 7 गए तो रह गए 12, कैसे? कोई बताना चाहेगा? फाटक साहब आप, जय बाबा. नहीं थोड़ा का, हाँ जी जी हाँ. नहीं नीलम, आपने आपके इसमें से केवल सद्गुरु और भूमिका, ये इतना पोर्शन इम्पोर्टेंट है और सोचिए. आप आगे का बात सोचा है और हमने पहले का हम सोचा था, तो आप आधे में पहुंच गए हैं, लेकिन आगे से आधे में पहुंच गए. हम आधे में पहुंचे थे, पीछे से आधे में पहुंचे थे. आप सही सोच रहे, आप सही दिशा में. नहीं नहीं आपका पहला जवाब सही था, मतलब कुछ हद तक. और कोई? चलो आगे पढ़ेंगे. बहुत सुंदर है ये, मतलब याद रहेगा. हाउ टू एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स, ये जो मिथ्याभास है या विरोधाभास है, उसको कैसा सुलझाए? द सोल्यूशन इज दिस, इसका उत्तर ये है. बाबा कह रहे हैं द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ नेचर. अब सबको समझ में आ गया होगा. इंसान का शरीर जो है निसर्ग के 5 तत्वों से बना है. वो एक कोई गाना है ना, 5 तंतु का पिंजड़ा बनाया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ये 5 तत्व का जो पिंजड़ा है, ऐसा एक गाना भी है, 5 तत्व का पिंजड़ा बनाया. आगे कुछ है, शायद निर्गुणी भजन है, याद नहीं आ रहा है. जय बाबा. हाँ राम और ब्रजेश, जो ब्रजेश दोनों का माइक चालू है. हाँ जी बोलिए. जय बाबा बोलिए. मेहरपाल जी हमीरपुर से बोल रहे. हाँ पता नहीं क्या होता. हाँ तो ये जो पहली बाबा ने बताई थी कि 5 में से 7 गए तो नीचे रह जाते 12, ये कैसा, कि ये विरोधाभास कैसा हो सकता है? तो आगे बाबा बोल रहे हैं कि मानवीय शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, नैसर्गिक 5 तत्वों से. अब ये 5 तत्व कौन से हैं? एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई. हवा, अग्नि, मिट्टी या धरती, पानी और आकाश. हम सबको मालूम है ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है. नाउ अ माइंड इनहैबिट्स दिस बॉडी, इस शरीर में मन रहता है, बट मन का वास इस शरीर में होता है. बट एज लॉन्ग एज द माइंड कंट्रोल्स इट, परफेक्शन विच इज द स्टेट ऑफ द सद्गुरु कैन नॉट बी अटेन. जब तक इस 5 तत्व के बने शरीर में मन रहता है, तब तक हम सद
परिपूर्णता हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, सद्गुरु पद नहीं पा सकते हैं। द माइंड इज कॉट एंड रिमेन्स ऑन वन ऑफ द सेवन प्लेन्स। जो सप्त भूमिका ईश्वर साक्षात्कार तक जाने वाली सप्त भूमिका है, इनमें मन रह जाता है। इफ इट क्रॉसेस द फर्स्ट एंड एंटर्स इन टू द सेकेंड, द फर्स्ट प्लेन इज रिलीज। समझ लीजिए, हाँ, बहुत सुंदर तरीके से इट इज एक्सप्लेन सो ब्यूटिफुली। बाबा कहते हैं ये सप्त भूमिकाओं में मन रह जाता है। कैसा रहता है और कैसा कहाँ से रिलीज होता है? जब पहली भूमिका में मन रहता है और जब हम पहली भूमिका से दूसरी भूमिका में जाते हैं, तब मन हमारे साथ दूसरी भूमिका में जाता है, तब उसका वास्तव्य पहली भूमिका में नहीं रहता है। इसी प्रकार जब हम दूसरी भूमिका छोड़कर तीसरी भूमिका में जाते हैं, मन तीसरी भूमिका में जाता है और दूसरी भूमिका से मन निकल जाता है। इसी प्रकार हर एक प्रगति के साथ जैसे जैसे आगे जाते हैं, पहली भूमिका से मन निकल जाता है। इस तरह से द माइंड इज कॉट एंड रिमेन्स ऑन वन ऑफ द सेवन प्लेन्स। इफ इट क्रॉसेस द फर्स्ट एंड एंटर्स इन टू द सेकेंड, द फर्स्ट प्लेन इज रिलीज्ड। इफ इट प्रोग्रेसेस ऑन टू द थर्ड प्लेन, इन दिस वे द सेकेंड इज रिलीज्ड एंड सो ऑन। When at length it has passed through all the seven planes, it becomes perfect। और इस प्रकार से जब सातों भूमिका में से मन निकल जाता है, मतलब सातवीं भूमिका में मन मनोनाश होता है, तब सातवीं भूमिका में पहुँचते हैं। छठवीं और सातवीं के बीच में सद्गुरु जब पुश करता है, सद्गुरु सहायता करता है, तभी सारे बचे कुचे क्षीण थोड़े रहे हुए संस्कार खत्म हो जाते हैं, मन का नाश होता है। मन का नाश होने के बाद सप्त भूमिका में, सातवीं भूमिका में क्योंकि छठवीं तक क्या है, छठवीं भूमिका में आया तो पांचवीं भूमिका से मन निकल गया और छठवीं भूमिका में आया। अब छठवीं भूमिका छोड़कर जब जीवात्मा सातवीं भूमिका में प्रवेश करता है, तो छठवीं भूमिका में से भी मन निकल जाता है, मन का नाश होता है। अब जब सातों भूमिका पार करने के बाद सप्त भूमिका, सातवीं भूमिका में उसको ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है, ईश्वर साक्षात्कार होता है। और यही है, यहाँ पर वो सद्गुरु बनता है। कैसे? तो अपना देह छोड़ता नहीं है। आगे दिया है बाबा ने, इफ इट प्रोग्रेसेस ऑन टू द थर्ड प्लेन इन दिस वे, द सेकेंड इज रिलीज। व्हेन एट द लेंथ इट हैज पास थ्रू ऑल द सेवन प्लेन्स, इट बिकम्स परफेक्ट। सातों भूमिकाओं में से जब जीवात्मा गुजरता है तो वह परिपूर्ण या परफेक्ट बनता है, यानी कि परफेक्ट मास्टर बनता है। एंड द स्टेट ऑफ परफेक्शन हैज बीन ओन। जब परिपूर्णता है वो उसको प्राप्त कर लेता है, हासिल कर लेता है। द मोमेंट दैट ही द माइंड एक्वायर्स दिस स्टेट, ही बिकम्स अ सद्गुरु। जिस क्षण ये मन, या ही यहाँ पर बताया, जिस क्षण ये परिपूर्णता की स्थिति प्राप्त की जाती है, उस क्षण वह जीवात्मा सद्गुरु बनता है। अब पांच में से, पांच तत्वों का पिंजरा मतलब शरीर है, पांच तत्वों से बना, उसमें से सात गया, मतलब सातों भूमिका गई, रह गया सद्गुरु, बारह है सद्गुरु। अब सद्गुरु बारह क्यों, ये हमने पहले देख चुके हैं, कितने चार पांच लेक्चर इसमें डाले थे कि मंडल, सद्गुरु का मंडल, सद्गुरु का मंडल कितने लोगों का होता है, 10+2 है कि नहीं। एक जो है जिसको गॉड रियलाइजेशन नहीं होता है, एक होता है चार्ज मन। इस प्रकार हमने उसका पूरा चार्ट बनाया था कि 10+2 ऐसा 12 लोगों का सद्गुरु का मंडल होता है। यही पहेली का जवाब है। पांच तत्व का पिंजरा जो शरीर है, ये शरीर जब -7 मतलब सातों भूमिकाओं को पार कर लेता है, तब बनता है 12 मतलब सद्गुरु। पांच तत्व का शरीर सातों भूमिका को पार कर जाता है, तब 12 मतलब सद्गुरु बनता है। सद्गुरु बनने के बाद, सद्गुरु होने के नाते
उसको अपना मंडल बनाना पड़ता है और वो मंडल के सदस्य होते हैं 12। इसके लिए 5 - 7 = 12। दुनिया का कोई मैथमेटिक्स ये पहेली सॉल्व नहीं कर सकता है, ये केवल मेरे बाबा ये पहेली बना सकते और बुझा भी सकते। आगे देखते हैं बाबा ने क्या कहा। द मोमेंट दैट ही द माइंड एक्वायर्स दिस स्टेट ही बिकम्स अ सद्गुरु। द सद्गुरु इज ऑलवेज डिवाइडेड इंटू 12 पार्ट्स। सद्गुरु 12 भागों में विभाजा जाता है। दिस 12 पार्ट्स आर हिज सर्कल मेंबर्स। ये 12 भाग जो है ये सद्गुरु के मंडल के सदस्य है। एवरी सद्गुरु हैज अ सर्कल ऑफ 12। हर सद्गुरु का अपना 12 सदस्यों का मंडल होता है। वो 10 + 2 ऐसा वो 12 का मंडल होता है। इन शॉर्ट व्हेन द ह्यूमन बॉडी कंपोज ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर पासेस थ्रू द 7 प्लेन्स इनटू ब्रैकेट 5 - 7 इट बिकम्स अ सद्गुरु। तो बाबा कहते हैं संक्षेप में, जस मनुष्य का शरीर जो 5 तत्वों से, निसर्ग के 5 तत्वों से बना है, जब 7 भूमिकाओं से पार कर कर निकलता है तो वह मानव सद्गुरु बनता है। सद्गुरु हु इज डिवाइडेड इंटू 12 पार्ट्स इंटू ब्रैकेट इक्वल 12। सद्गुरु जो कि 12 भागों में विभाजित है, एज वी हैव जस्ट एक्सप्लेन, जैसा कि हमने अभी देखा है, दैट इज 5 - 7 = 12। 5 तत्व का शरीर जब 7 भूमिकाओं से निकलता है तब वो सद्गुरु बनता है। सद्गुरु वह कि जिसका 12 सदस्यों का मंडल होता है। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण विराम।